हाय गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1,70,000 वर्ड है जो यूजेज में है इस समय, लेकिन अंबानी जी उसमें से कुछ वर्ड्स उन्होंने निकाल दिए हैं। भाई एक्स्ट्रावेगेंस, फिजूल खर्ची, इस शब्द का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। लिमिट, अरे एकता कपूर को भाई अपने सीरियल की लिमिट के लिए उनको गुरु मान लेना चाहिए। अभी प्री वेडिंग महीनों से चलती है, ये इतना बोर कर दिया है कि कुछ कहने की हद नहीं। और फिर भाई हमने एक मुहावरा पढ़ा था, मनी मेक्स द बेयर गो, उसका भी बिल्कुल अर्थ बदल दिया है। मनी मेक्स एवरीबडी डांस ऑन हिज लिटिल फिंगर। भाई देखो, बॉलीवुड हॉलीवुड से लेकर के रामदेव जी सब नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। वो मुझे टीकू तलसानिया एक डायलॉग याद आता है उसका, एक कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब कोई समझ नहीं आता कि कब ये ड्रामा जो है वो खत्म होगा। मैंने सोचा कि मैं लिखूं कि भाई सरकार से कि इनका पैसे का वाइट मनी इतना कहाँ से आ रहा है, आपका अपना पैसा तो है नहीं, जनता का लगा हुआ है, आपने तो फिर जियो का बढ़ा देना है। भाई कोई हॉस्पिटल्स खुलवा देते गरीब बच्चों के लिए, कुछ टैलेंटेड बच्चों की एजुकेशन का कर देते। आपको लगता होगा अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सॉर फॉर मी, इट इज रियली पैथेटिक हाउ मनी इज बीइंग वेस्टेड। भगवान जी क्षमा करे, लक्ष्मी की कृपा उन पे बनी रहे, पर थोड़ी सी बुद्धि भी यूज करो। क्या मतलब, व्हाट इज दिस ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर, करोड़ों रुपए की गेस्ट को वॉचेस दे रहे हैं, समझ में नहीं आया। मैंने सोचा चलो अपने मन के भाव प्रकट कर दूं। अब मैंने देखो 7 साल पुराना सूट पहन लिया, थोड़ा वेडिंग वाली फील के लिए। बाकी तो जो आपका कोई विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।